अभी हम बिहार के जिस जंगल में हैं, इस जंगल में कभी इंसान आने से कांपते थे, प्रशासन के लोग आने से थर्रा जाते थे, उनके रोंटे खड़े हो जाते थे। इधर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा निर्मित एक चमचमाती हुई सड़क है और यह सड़क यहां आकर खत्म हो जाती है। कभी सोचा आपने कि आगे क्या होगा? सरकार ने यही तक सड़क क्यों बनाया? कभी आपने सोचा नहीं होगा, ये सड़क यही खत्म हो जाती है। और जो मुख्य सड़क है यहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, और यहां से जो मेन शहर है, जो प्रमुख शहर है, वो यहां से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। इधर सड़क आकर खत्म हो जाती है। यहां पर कभी लोग आने से कांपते थे, पुलिस वाले थर्रा जाते थे, लेकिन आज वक्त बदला, हालात बदला, जज्बात बदला, दिन दिशा तारीख सब कुछ बदला, सरकारें बदली और आज यहां का वक्त भी बदल गया है। बिहार सरकार की यहां पर सड़क खत्म हो गई है। देखिए ये सड़क है और ये सड़क जो है ये खत्म हो गई है। यहां का, इस जंगल का बहुत सारा इतिहास है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस जंगल में हूं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इधर क्या है। सोच रहे होंगे आप कि इस जंगल में क्या हो सकता है जहां पर अब इंसान आने लग गए हैं। अभी ये सड़क जो है, हमको लगता है कि 1.5-2 साल 3 साल पहले ही बनी है। इससे पहले सड़क की कनेक्टिविटी तक नहीं थी। सड़क इधर चमचमा रही है, लेकिन सड़क यहीं तक क्यों बनाई गई है, यह भी सोचने का विषय है। यह सड़क यहां यहीं तक क्यों है, यह सड़क यहीं क्यों खत्म हो गई है, आगे क्या है, आगे सड़क क्यों नहीं बनाई गई बल्कि रास्ता है, यह तमाम चीजों के ऊपर हम बताएंगे और चर्चा करेंगे। सड़क यहां खत्म हो गई, ये देखिए चमचमाती हुई बिहार सरकार द्वारा निर्मित बनाई गई सड़क यहां खत्म। और यहां देख लीजिए, यहां पर लिखा है, आइए इधर अब आपको दिखाते हैं, यहां पर लिखा है भीम बांध 0 किलोमीटर। अब इधर आइए, जो यहां से मुख्य सड़क है, जो एनएच है, वो है 1.25 लाख 10 किलोमीटर। यानी यहां से 10 किलोमीटर तो दूर तक आपको जाना होगा, तब मुख्य सड़क मिलेगी, तब आपको अच्छे खासे इंसान देखने को मिलेंगे। बीच में एक गांव है, गांव का नाम भीम बांध के नाम पर ही है। और दूसरी बात यह है कि उस गांव में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, उस गांव के अलावा और कोई गांव नहीं है। नहीं, और सीआरपीएफ का कैंप भी है। अब इधर क्या है, इधर सड़क क्यों नहीं बनी है, इधर रोड तो है, सड़क क्यों नहीं बनी है? इधर दरअसल जन्नत है, इधर बिहार की वो खूबसूरती है जिस खूबसूरती का अनुमान आप भी नहीं लगा सकते, हम भी नहीं लगा सकते हैं। इधर जो है एक झरना है, एक तालाब है, एक जो है गर्म कुंड है। अब हम आपसे जानेंगे कि ये सड़क यहां तक क्यों है, ये बिहार की सड़क यहां क्यों खत्म हो जाती है। चलिए, कम से कम यहाँ तक है, ये इस जगह के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, ये पहले ये भी नहीं था, पहले तो ये भी नहीं था। यहाँ कौन लोग आते थे? यहाँ पे जिसको लोग लाल सलाम के नाम से जानते हैं, पहले वो आते थे, वो आते थे। नक्सलाइटों का ये ग्रीन जोन हुआ करता था। नक्सलाइटों का ग्रीन जोन और पुलिस और सीआरपीएफ का रेड जोन हुआ करता था। बिल्कुल, अब बदल गया। बिल्कुल बदल गया। और यही वो जगह है। यही भीम बांध का यही वो सड़क मार्ग है जिसमें कि मुंगेर के एसपी केसी सुरेंद्र बाबू जो थे, उनको लैंड माइंस लगा के उड़ा दिया गया था। मतलब एसपी साहब को उड़ा दिया गया, उड़ा दिया गया था। और उस बम के धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया था। आप समझिए कि कितने साल की बात है ये। ये हमको लगता है लगभग 8 या 10 का आसपास का घटना है। 8 साल पहले की? नहीं, 2008 या 2010 की घटना है। 2008 या 10 की। यहाँ सड़क है, आगे सड़क नहीं है, क्यों? आगे क्या है? आगे जंगल है, पूरा भयानक जंगल है। भयानक जंगल है पूरा। और उस जंगल में जन्नत है, जन्नत मान जन्नत है, मुआवादी भी रहता है। अभी भी रहते हैं ऐसा है? नहीं नहीं, अब वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आगे आप जिस जन्नत का बात कर रहे हैं, ये जन्नत आज से नहीं है। ये जन्नत जो है हजारों वर्ष से यहाँ पे जन्नत थी। और इस जन्नत को जो है काफी सवारा भी गया था पहले भी, लेकिन वो जो जिनके विषय में बता रहे थे, नक्सलाइट गतिविधि का बात कर रहे थे, उन लोगों का जो कहर था वो इस प्रकार से इस प्राकृतिक सौंदर्य पे बरपा कि जो है कभी बम के धमाकों से, कभी लोगों की खून से जो है जब सड़कें लाल हो, अब बदल गया है, अब बदल गया, अब लोग आते हैं, अब आते हैं, अब पुलिस प्रशासन भी गश्ती करती है, पूरी गश्ती करती है। सीआरपीएफ कैंप बनने से लोगों को जो है उग्रवाद से, इसके बाद नक्सलवाद से निजात मिला। बिल्कुल बिल्कुल निजात मिला है। और लोग अब जो है उतने डरे सहमे नहीं है। नहीं तो एक समय था कि लोग यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया गया, इसलिए सड़क बनाई गई। हाँ, पर सुने हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री तक लोग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री, ये वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो तो आए ही हैं। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी आए हुए हैं। यहाँ पे जो है जिस
दशक का बात हो रहा है कि जिस दशक में जो है नक्सलाइटों का जो तमाम गतिविधियां हुई उससे पहले यहाँ पे जो है रेस्ट हाउस हुआ करता था। हाँ। यहाँ पे तमाम चीजें संवारी गई थी इस प्राकृतिक को। लेकिन कुछ दिन कुछ सालों की घटना है कि जो बगल में यहाँ पर गांव है उस गांव में एक सरकारी विद्यालय था और नक्सलियों ने उसको उड़ा दिया था। बिल्कुल आज भी वो उसी रूप में दिखता भी है, उड़ा हुआ है। छत ढह गया है। पहाड़ों से घिरा हुआ ये जगह है और इधर देखिए पानी की धाराएं आपको दिख रही है। ये कोई साधारण पानी नहीं है और मैं उसी जन्नत की ओर आपको लेकर चल रहा हूं जिस जन्नत की चर्चा मैंने वहां पर की हुई थी। आगे देखिए लोग कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं घूमने के लिए, देहरादून जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां के प्राकृतिक सौंदर्य के सामने सारा कुल्लू मनाली फैल है। ये पानी है और ये पानी साधारण पानी नहीं है, इस पानी का उपयोग यहाँ के गाँव के लोग करते हैं और ये पानी ये देखिए यही वो जन्नत है। आप नैनीताल जाते हैं ना जी, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, वो गाना आपने सुना होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। और हमारे बिहार में तलैया ही सही लेकिन इस तलैया का अद्भुत जो है वो एक उदाहरण है, एक अद्भुत जो है इसका इतिहास है। इतिहास इसका पौराणिक इतिहास है। हाँ। पौराणिक कथाओं में जो है भीम बांध का नाम का वर्णन क्या बनाया गया है, वो जो पर्यटक आते हैं वो उनको मनोरंजन के लिए कुछ देख सके, प्राकृतिक वातावरण का थोड़ा आनंद ले सके। वन विभाग पूरा इसको देखरेख करता है, वन विभाग देखरेख करता है इसको। ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है मित्रों, बल्कि ये पानी जो है वो गर्म पानी है। इस पानी का टेम्परेचर 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और इस पानी को कहां से निकल रहा है, ये पानी कहां से निकल रहा है किसी को नहीं पता है। ये पानी जमीन के अंदर से अपने आप निकल रहा है। बिल्कुल, और ये पानी का टेम्परेचर का आप बात कर रहे हैं, इस पानी का टेम्परेचर इतना अधिक है इस बात को प्रमाणित ये पानी खुद करता है क्योंकि पानी में रहने वाला जीव भी इस पानी में नहीं रह पा रहा। आप निकल रही है पानी से और ये गर्म पानी है और ये तलैया ही सही, देखिए किस तरीके से धाराएं बह रही हैं। लोग आते हैं, अब यहाँ पिकनिक बनाते हैं, अब किसी प्रकार का खौफ नहीं है। नीतीश कुमार जी और इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने मिलकर जो है उन उग्रवादियों को, उन माओवादियों को जो उग्रता फैलाते थे उनको पूरी तरीके से डस लिया। बिल्कुल, आज शांति है, बहुत शांति, हम लोग शांति से टहल रहे हैं, बहुत आराम से, कोई यहाँ आता नहीं था पहले, कोई नहीं। चलिए, वहां सड़क क्यों खड़ी खत्म हो गई थी मैंने वो आपको बताया कि भीम बांध वहीं खत्म हो जाता है और अब इसको फिल देने के लिए यहां तक सड़क नहीं बनाई गई है, इसको जो है मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। बाकी ये सड़क है लेकिन पक्की सड़क नहीं है। फिर भी जो है इस पूरे क्षेत्र को कुछ कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। बिजली पानी यहाँ आ गया है, बिजली आ चुकी है, पानी का यही साधन है। बाकी यहाँ पे आपने पहले ही बता दिया है वीडियो में कि यहाँ से मेन सड़क की दूरी, मेन रोड की दूरी 10 किलोमीटर है और शहर, शहर की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर। जमुई यहाँ से कितना दूर, 35 प्लस होगा, और मुंगेर 50, और खड़गपुर वही 30। और नजदीकी थाना गंगटा थाना जी, गंगटा थाना के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, गंगटा थाना कितना दूर यहाँ से, यहाँ से लगभग 15-17 किलोमीटर लगभग 17 से 20 मिनट जो है पुलिस के अधिकारियों को यहाँ आने में लग जाएगा, लेकिन बीच में कैंप है। बिल्कुल, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि यहाँ के लोग आज भी जब बीमार पड़ते हैं या फिर जो है कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो डिलीवरी के लिए जाना होता है तो वो उनको जो है ना गाड़ी का सुविधा नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। इस जंगल में भी लोग बसे हुए हैं। बिल्कुल, बसे हुए हैं, सैकड़ों गांव हैं, एक दो गांव नहीं है। क्या खाते हैं वो लोग? वो लोग तो हम लोग के जैसा ही अनाज, नॉर्मल नॉर्मल खाते हैं, महुआ हुआ चुंडा उनका मुख्य। हाँ, वो लोग का जीविका का साधन यही जंगल है। चलिए, हम लोग अभी भीम बांध में थे मित्रों और भीम बांध जमुई और मुंगेर के बीच में ही पड़ता है, दोनों का मतलब समांतर सीमाएं हैं। बिल्कुल, लेकिन भीम बांध जो है ये मुंगेर के अंतर्गत आता है। इस जंगल का इतिहास है, खूनी इतिहास से लेकर ग्रीन जोन से लेकर रेड जोन तक का इतिहास है। आज हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने सोचा क्यों ना दिखाया जाए इस वीडियो के माध्यम से। इस जंगल का आपने इतिहास का बात किया तो इस जंगल का जो है जय हिंद से लेकर लाल सलाम तक का भी इतिहास और महाभारत काल से इतिहास, महाभारत काल से भी इतिहास। चलिए, आप लोग भी अगर जमुई मुंगेर बांका से हैं, देवघर से है, तो आप आइए यहाँ पर घूमिए, भ्रमण कीजिए। ठंडी ठंडी हवाएं जब फुर कान के ऊपर से और बाल के ऊपर से बहेंगी तो आपको जो है वो बेहतर एहसास देंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से हम एक बार उसी सड़क पर आ गए हैं जहाँ सड़क खत्म हो गई थी, सड़क मुख्य बिंदु था, सड़क उधर शुरू और इधर सड़क खत्म, बिहार की ये सड़क यही खत्म, वहां से यहाँ से शुरू और ये मुख्य सड़क से पूरे देश की सड़कों को जोड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।